गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों के बाद कोई व्लॉग डाल रही हूँ। रीज़न यही है कि अभी नवरात्रि चल रही है और आपको मैंने बताया था कि मैंने नवरात्रि का व्रत किया है और साथ में स्कूल भी जाना होता है, तो इस वजह से टाइम बहुत कम मिलता है। बट कल मैंने बहुत मुश्किल से व्लॉग लिया है फ्रेंड्स, और फिर सोचा कि चलो इसको अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत एज़ यूज़ुअल घर के कामों से हो रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मुझे सुबह उठकर जल्दी से मतलब ऊपर का फ्लोर क्लीन करना होता है ताकि मैं उसके बाद रेडी हो सकूँ पूजा के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पूजा, जो हमारा पूजा घर होता है, अगर उसमें हम पूजा करवा रहे हैं तो पूरा घर भी क्लीन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सब तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर हम ऐसा करते हैं कि एक सेक्शन घर का क्लीन नहीं करते और पूजा रूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके वहाँ पर पूजा करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरे घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं फ्रेंड्स आपसे ना एक कमेंट डिस्कस करूँगी जो कि मुझे कल आया था या 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं उतना। उसमें मतलब एक लड़की ने लिखा था कि दी आपकी लाइफ अच्छी है, मैं भी शादी के बाद बहुत पढ़ना चाहती थी लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, फिर मेरे बच्चे हो गए और अब मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल 4 दीवारी में बंद हो गई है। और आपको पता है फ्रेंड्स, उनका कमेंट पढ़ के मुझे इतना मतलब अंदर से फील आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मैं सैड हो गई, क्योंकि जब मेरी शादी खुद की भी हुई थी ना, तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, पता नहीं मेरी जॉब लगेगी या नहीं, क्योंकि बार बार तो जानते ही हैं, बार बार फेलियर देख देख के इंसान का कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी कि कहीं मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ना हो जाए कि जब काम पड़े तब घर से बाहर जाओ, नहीं तो घर में ही रहो, 4 दीवारी में बंद रहो। इस चीज़ से मुझे इतना डर लगता था ना, जब भी मैं ये सोचती थी कि मेरी लाइफ एक दिन ऐसी हो जाएगी, तो उसके बाद ना मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। मैं सोचती थी नहीं, ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे हर कुछ करना है अपनी लाइफ में, मैं कोई भी सेक्शन अपनी लाइफ का ना फ्रेंड छोड़ना नहीं चाहती हूँ। लाइक अगर वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो, या फिर वो मेहनत करने की बात हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हो, या फिर अपने रिश्ते ठीक रखने की बात हो, मैं हर चीज़ को मतलब परफेक्ट रखने की कोशिश करती हूँ। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ में ना अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और अब ऐसी आदत हो गई है मेरी कि मैं लोगों से ना एक्सपेक्टेशन बहुत कम करती हूँ कि अगर मैं उनके लिए ये कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए कुछ करें। इस चीज़ से ना मैं आज़ाद हो गई हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जिस दिन आप इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ देंगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ ना बहुत मतलब सुकून से बीतेगी। आपको लगेगा ठीक है, जो करना है उनको करने दो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी लाइफ देखनी है, अपने काम पे फोकस करना है। भगवान जी से बस इतना ही मांगती हूँ फ्रेंड्स कि भगवान जी मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा कि जो काम आपने मुझे दिया है उसको मैं इतना अच्छे से करूँ, अब उसमें अब मैं अपना इतना ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर मेरा ध्यान ना जाए। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख लेंगे, आपको पता है अगर आपके पास बहुत सारा काम होगा ना फ्रेंड्स, जैसे आपको बहुत पढ़ना होगा, सिलेबस कम्प्लीट करना होगा, रिविज़न करना होगा, मॉक लगाना होगा, अगर आप इन सब चीज़ पर फोकस करने लगेंगे ना, दूसरी चीज़ से फोकस आपका अपने आप हट जाएगा। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आप सोच ही नहीं पाएंगे, उतना समय दिमाग को दीजिए ही मत। जिस दिन आपको आप
आपका अटेंशन मिलने लगेगा ना, उस दिन आपका अटेंशन किसी और चीज़ पे जाएगा ही नहीं। इतना ज़्यादा अपने आप पर काम कीजिए ना फ्रेंड्स कि नहीं मुझे अपने लिए कमाना है, अपनी फैमिली के लिए कमाना है, मुझे अपने लिए पढ़ाई करनी, मुझे अपना करियर बनाना है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई इंसान आपके बदले में पढ़ाई करे, आपके लिए पैसे कमाए, आपको खुशियाँ ला कर दे, तो एक बार अपना चेहरा आईना में देख लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हो सकते हैं। दूसरा, आपकी जर्नी में आपका साथ दे सकता है, लेकिन वो आपका करियर नहीं बना सकता है, आपके लिए खुशियाँ नहीं ला सकता है। इसके लिए एफर्ट आपको खुद लगाना होगा। फ्रेंड्स, तो फाइनली सुबह का पूजा कंप्लीट हो गया है और अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी मुझे ड्रेस चेंज करना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, क्योंकि स्कूल में आपको पता ही छुट्टियाँ नहीं हैं। मैं चाहती तो ले सकती थी क्योंकि मेरा CL बहुत बचा हुआ है, SLU है इस महीने का बचा हुआ, लेकिन सोच रही हूँ कि बाद में लूँगी क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, तो उस टाइम पे SL यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल तो स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी और मिलूँगी आपसे स्कूल में। बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर 9 दिनों का उपवास रख रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रख रहे हैं, वो भी मुंगेर में 9 दिनों तक उपवास रखेंगे। और वैसे तो वो अष्टमी को यहाँ आ जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुमने उपवास रखा है तो मैं भी रखूँगा। और मेरा ये मानना है कि मैं चाहूँ तो अभी ऐसा ले सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर से ये सोचती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड स्कूल जा सकते हैं और इतना कष्ट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैं उनकी वजह से ऐसा नहीं ले रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में लूँगी। तो ये एक तरह से तरीका है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का, और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए केयर एंड कंसर्न दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मम्मी जी मेरे लिए केयर और कंसर्न दिखा रही हैं, क्योंकि आज उन्होंने SL लिया है तो उनकी छुट्टी है, तो इस वजह से वो मेरे लिए मखाने फ्राई कर देंगी और चाय बना दे रही है। बाकी जिस दिन मेरी मम्मी जो हैं वो 7:30 में ही स्कूल के लिए निकलती हैं और मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, तो जब भी हमारा पूजा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हर दिन मैं मम्मी के लिए कंसर्न दिखाती हूँ, उनके लिए चाय बनाती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है ना वो हमेशा 2-way होता है, मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बस अच्छा करती जाऊँ और सामने वाला आदमी कभी कोई रिस्पांस ना करे तो रिश्ता अच्छा रहेगा। नहीं, हमेशा दोनों तरफ से रिस्पांस अच्छा मिले तभी कोई रिश्ता जो है वो अच्छा बनता है। और हाँ, लेकिन अगर कभी कोई सामने वाला रिस्पांस ना भी करे ना फ्रेंड्स, तो फिर छोड़ दीजिए उसके बारे में केयर और कंसर्न दिखाना। मैं सीधे यही जानती हूँ कि इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड, अगर कोई मेरे से बुरा बिहेव करता है ना तो मैं भी उससे बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती, मैं इतनी भी पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे लिए अच्छा है उनके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, हम तीनों डिस्कस कर रहे थे कि हमें नवमी को क्या क्या ज़रूरत है, किस किस सामान की, और कैसे कैसे हमें नवमी पूजा करनी है, इससे रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। और अब देखिए, थोड़ी देर में मैं पहुँच गई हूँ अपने स्कूल की गलियों में, जो कि ऐसी है बहुत ही उबड़ खाबड़। सामने में जा रही है रोशनी मैम, जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है और मेरे साथ आना जाना करती है, और यहाँ पर है आपकी ब्यूटी मैम, जो कि इस तरह से स्कूल जाती है। शर्ट को इन करके पहनना है, पैंट के अंदर, लड़की लोग को स्कर्ट के अंदर डालना है, कॉलर बटन बंद होना चाहिए, लड़की लोग 2 चोटी में होनी चाहिए। आज बहुत सारी लड़की 2 चोटी में आई है लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं, और सबको स्कूल ड्रेस पहन के आना है। कॉलर बटन बंद करो, सब सारा बच्चा कॉलर बटन बंद करेगा, ऊपर वाला बटन सब लोग बंद करो और शर्ट इन करके पहनो। शर्ट इन है सबका? हाँ, ऐसे ही आना स्कूल। तुम लोग का ड्रेस कहाँ एडमिशन है? स्कूल में नहीं। चलो ठीक है, कॉलर बटन लड़की लोग भी बंद करो, कॉलर बटन बंद। तू कहाँ लेट है रे यार, उसके पास आ रहो पीटेंगे हम, कहाँ है फिर पिटाए थे ना, बाबा ने आते होंगे, चलो जल्दी आओ, कल से पिटाई होगा तुम लोगों को बड़ा बड़ा सको। सामने देखो, पीछे मत देखो, कोई भी देख रहा है, जाओ लेट कर रहा। 9 बजे आना है, मैक्सिमम 9:30 तक आ गए, फिर 10 बजे तुम आ रहा है। पेंसिल बॉक्स क्लास में रख के आया करो, पॉकेट में लेके आती है। एक बात नहीं करो, बैठो। एक क्वेश्चन देखो, इसका मान कितना होगा?
एक बटा दस है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक भाग होगा किससे, दस होगा ना। हाँ ठीक, चलो हम भाग करके पहले देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक चलो, दस से किसको भाग करेंगे, एक, तो दस से एक भाग होगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के एक जीरो लगाएंगे। अब कितना बार हो जाएगा, एक बार में। आंसर क्या आ गया, एक नहीं जीरो जीरो पॉइंट वन, या फिर क्या बोलेंगे, दशमलव एक। क्या बोलेंगे, दशमलव एक। समझ में आया? और अगर यहाँ जीरो लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, जीरो जीरो दशमलव एक। जीरो दशमलव एक, शून्य दशमलव एक। समझ में आया कि कोई भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं? अगर मान लो इसका हम नोट रंग दिए, अब क्या बन जाएगा, दो बनेगा ना, अपने से बदलने आया था तुम लोग? हाँ मैं। चलो बनाओ, बदल के दिखाओ। अरे भाई सचिन, समझ में आ रहा है तुमको? नहीं आएगा तो पूछेगा। तुम उसका देख के बना रहा है? अंकित का समझ में नहीं आया तुमको? इधर लेके आओ कॉपी, इधर कॉपी लेकर आओ, इधर आओ। अब ना फ्रेंड्स, मैं एकदम पक्की टीचर बन गई हूँ, जो कि बच्चों को देखते ही जान जाती है कि कौन चीटिंग कर रहा है, किसको समझ में नहीं आया, कौन ध्यान नहीं दे रहा है, कौन बातें कर रहा है। समझ में आया कैसे लिखना है? कभी भी 623.456 नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 623.456। समझ में आया? और तीसरा नंबर को पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, 23.02। अब सबको नाम लिखने आ गया दशमलव संख्याओं का? ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ? कन्हैया आया है तुमको समझ? नहीं आया है? तुम आज रुकेगा 3 बजे के बाद, ठीक है? और कोई बच्चा, तुमको क्या नाम है तुम्हारा, विकास और रंजन, रंजन को समझ में आया है? आपको पता है फ्रेंड्स, बच्चों में मैं सोचती थी कि मैम लोग को कैसे पता चल जाता है कि इस बच्चे को समझ नहीं आया है, इसका ध्यान नहीं था। अब मुझे पता चला कि ये क्वालिटी ना पढ़ाते पढ़ाते आपके अंदर भी आ जाएगी। आप स्टूडेंट को देख के बता देंगे कि ये ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे घर चलेगा, मेरा गाड़ी पे बैठेगा? नहीं नहीं नहीं। क्या चाहिए, ऐसे कैसे खड़ा हो गया, क्या हुआ? बैग लेगा मेरा, लो भाई। उठा भी नहीं पाएगा, ठीक है उठाओ उठाओ, छोड़ दो छोड़ो, उठा। ऊपर देखो, कंधे पर रख लो, इधर देखो प्रताप, इधर देखो। चलो अब टांग लो इसे, जल्दी से टांगो टांगो टांगो। ये जो बच्चा है ना फ्रेंड्स, ये मुझे इतना मानता है, मतलब ये हमारे स्कूल में पढ़ता नहीं है, लेकिन जब भी मुझे देखेगा मुझे पकड़ लेगा, मेरा हाथ पकड़ लेगा, बोलेगा मैडम चलो अपना स्कूटी तक लेकर चलो हमको, और ना डेली मेरे से बात करता है। इतना ज़्यादा मुझे लगता है ये मेरा पिछले जन्म को कोई बिछड़ा हुआ फ्रेंड तो नहीं ना है, या कोई रिलेटिव, मतलब ये मुझे जहाँ देखेगा पकड़ लेगा बात करने के लिए। बहुत क्यूट एंड स्वीट है। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ कहूँगी फ्रेंड्स, कि जो मेरी भाषा है स्कूल में, वो स्कूल के बच्चों के जैसे होती है, ताकि बच्चों को समझ आए कि टीचर क्या कह रही हैं, और उनको ना ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील ना हो। और आपको तो पता ही होगा कि जो त्रिभाषा सूत्र था, कि हमें जो नेटिव लैंग्वेज है, जो बच्चा का मदर टंग है, उसको यूज़ करके बाकी अदर लैंग्वेजेस को अच्छे से सिखाना है, तो बस वही कोशिश मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इसी भाषा में बात करती हूँ, है ना। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, मैं आ गई थी साड़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि अष्टमी के दिन मुझे माता रानी को साड़ी चढ़ाना है, तो साड़ी ख़रीद के फाइनली मैं घर आ गई हूँ। और रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मैं भीग भी गई हूँ, और आज ना घर आने में काफ़ी लेट हो गया है।
जैसे अभी मैंने कहा ना फ्रेंड्स कि घर आने में लेट हो गया, तो बिहारी जो हिंदी है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लाइक आप सब अगर बारिश हो रही है आप कहते होंगे, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बारिश हो रहा है, हम ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं हवा चल रहा है, हवा चल नहीं रही है, ऐसे नहीं, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा कन्फ्यूजन है बिहारी हिंदी में। ऑल दो सारे लैंग्वेजेस बहुत अच्छे होते हैं और मुझे बिहारी हिंदी बहुत पसंद है, मैं इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। और यहाँ पर मैंने मम्मी जी को साड़ी दिखा दिया है और फिर खूब सारी बातें की हैं और अब करूँगी आपसे बातें। तो यस फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और अभी आपको पता है 7 बज गए हैं रात के, और आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि दी डेली व्लॉग डालो, डेली व्लॉग डालो, पर मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई जब से मैंने नवरात्रि जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर मेरा रूटीन थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, मतलब सारा काम करके पूजा करती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, वहाँ पढ़ाती हूँ, फिर उधर से आती हूँ, फिर पूजा करने का ही टाइम हो जाता है, तो फिर शाम में पूजा होती है, फिर रात में कुछ खा पी के मैं तो सो जाती हूँ। तो ऐसा मतलब मेरा रूटीन है अभी। और आज तो मैं बहुत देर से आई हूँ स्कूल से, 7 बज गए आते आते, और माता रानी के लिए जो मैंने साड़ी खरीदी है वो तो आपने देखी होगी। इसको ना फ्रेंड्स मैं अष्टमी के दिन, अभी मुझे इसके साथ चूड़ी बिंदी सिंदूर सब लगाना है, लेकिन आज ना बहुत बारिश हो रही थी नवादा में तो मैं दूसरे दुकान नहीं जा पाई। अब कल भी जाना है स्कूल, तो कल सप्तमी है, लेकिन कल मुझे स्कूल जाना है, कल उधर से वापस आते टाइम पे मैं ना सारी चीजें ले लूंगी। जैसे 9 कन्या को भी खिलाना होता है ना, तो 9 कन्या को भी मतलब हम देते हैं, जैसे रुमाल देते हैं, बिंदी देते हैं, कुछ भी श्रृंगार का कुछ भी सामान, पैसे देते हैं, जो भी मन हो अपना देने का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बचपन में मैं 9 कन्या खाने जाती थी, उस टाइम से ही सोचती थी कि नवरात्रि करूंगी, लेकिन होता है ना कि जब माता को आपके घर आना होता है तभी आती है, और ये फॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ कि इस साल मैंने स्टार्ट किया है और पता नहीं कब तक करूंगी, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक शायद, पहले से बोला तो नहीं जाता लेकिन ऐसा ही लग रहा है। और ये साड़ी में ना अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि ये कैसी है, देखिए कैसा पैकेट दिया फट गया है, ये चुनरी वाली साड़ी है दोस्तों, ये देखिए ये बिल्कुल रेड कलर की है, और रेड कलर मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि माता रानी को रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने रेड कलर चूज किया है। और इसके अलावा ना फ्रेंड्स मैंने कुछ और भी मंगाया फ्लिपकार्ट से पार्सल, वो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले माता रानी का ड्रेस फोल्ड करके अलग। ये तो फ्रेंड्स ये मंगवाया मेरे हस्बैंड ने, पता नहीं इसका क्या करेंगे। ये स्टार वाला लाइट है फ्रेंड्स, ये दीपावली के लिए मंगवाया है, 2 सेट है, एक ये है और एक यहाँ पे ये वाला सेट है, एक ये वाला सेट है और एक सेट ना पहले से था हमारे पास, तो अभी अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब सजाने में घर ना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जॉब के बाद हमारी पहली भी वाली है, तो थोड़ा हम तैयारी भी ज्यादा करें इसका। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये वाला शूज नहीं, मतलब ये है शू टोपिया ब्रांड का है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, पहली बार मैंने सुना है इसका नाम, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था सैंडल। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे ना मतलब मैं हमेशा ऐसे ही वाला लेती हूँ, मतलब जिसमें ओपन टो हो, मतलब जिसमें उंगलियां मेरे दबे ना पहनने में, तो वैसे तो ये पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा हील इसलिए खरीदा है ताकि थोड़ी लंबी लगूं और क्या, बाकी तो चलिए खैर ठीक है वैसे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ना मुझे नहाने भी जाना है, फिर शाम में पूजा भी करनी है, पंडित जी आते ही होंगे, अभी मुझे लेट भी हो रहा है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।